बक्सर में रिटायर्ड फौजी के बेटे की हत्या के बाद डीआईजी राकेश राठी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। यहां डीआईजी के अलावा सीआईडी विभाग के एडीजे विनय कुमार भी डुमराव पहुंचे। उन्होंने शोक में डूबे परिवार को भरोसा दिलाया और कहा कि पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और वो उन्हीं के देख रेख में अनुसंधान की प्रगति के बारे में अभी आपको नहीं बताएंगे, इसमें बहुत काम है। लड़के के पिताजी का कुछ नहीं कहना है, उनका ही कहना है जो दोषी हो चिन्हित होना चाहिए, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि डुमराव टेक्सटाइल्स मोहल्ले में रिटायर्ड फौजी गजेंद्र तिवारी के 13 साल के बेटे आशीष को कुछ दिन पहले बदमाशों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। इतने दिन बीत जाने पर भी बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन अपराधियों पर कब तक लगाम लगा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।